कहते हैं कि अगर पिता गुरु बन जाए तो बच्चा बुलंदियों को छूने में देर नहीं करता। ऐसा ही एक नजारा हमें लेबर कैंप जामुल में देखने को मिला, जहां शिरोन सोनकामले ने अपने पिता शिवजी सोनकामले को आदर्श मानकर उनके सानिध्य में वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग प्रारंभ की और उनके पिता उनकी ट्रेनिंग में गुरु की भूमिका निभाते रहे, जिससे आज शिरोन सोनकामले छत्तीसगढ़ के जाने माने वेटलिफ्टर बन चुके हैं। और उनकी इस सफलता में उनकी माताजी का भी विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि वह इनके डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं। हमने शिरोन और उनके माता पिता से बातचीत की और जाना कि किस तरह से शिरोन ने छोटी सी उम्र में इतने खिताब अपने नाम कर लिए। आप भी देखिए, जब माता पिता गुरु बन जाते हैं तो बच्चे कैसे बुलंदियों को छूते हैं। दस दस तक डाल दीजिए, ढाई ढाई का डाल दीजिए। इमरान अंसारी को बुलाओ। शारण सुन कामले है, मैं एसएससी लेबर कैंप जामुल भिलाई छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। ये एक्चुअल में पावर लिफ्टिंग का टूर्नामेंट था, इसमें स्क्वाट, बेंच, डेड ये तीनों उसमें रहते हैं और जिसमें जो ज़्यादा स्कोर करता है वो जीतता है। और ये गेम के लिए मैं इंस्पायर हुआ हूँ अपने पापा से, जो मुझे सपोर्ट किए इस चीज़ में, मेरे को इन्होंने सिखाया और मेरे को हर चीज़ में, मेरे को आगे बढ़ने में ये मेरी मदद कीजिए। पावर लिफ्टिंग एक बहुत ही आसान गेम नहीं माना जाता है, पावरफुल गेम है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो रुझान कब से बढ़ा और कैसे आपको लगा कि आप पावर लिफ्टर बने? जब मैं शुरू में जब ये चालू किया जिम, तो मैं बहुत कमज़ोर था। मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो धीरे धीरे मैं किया, पापा मेरे को गाइड किए, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब मेरे को गाइड किए, कर सकता है। धीरे 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 मैं आगे बढ़ते गया। एक पल में ऐसा लगा कि मेरे से नहीं होगा, फिर मेरे को मोटिवेट किया, कोई बात नहीं, आज हारा हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तो जीतेगा। तो इसी चीज़ से मैं लगातार करते गया करते गया। और अभी मतलब जब आपने पापा के बलबूते में हूँ। क्या बात है। अच्छा, पापा ने तो सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन अब आप लड़के हो, माताजी से भी बहुत उम्मीदें, माताजी को भी बहुत उम्मीदें होती है, मम्मी से कैसा सपोर्ट मिलता है? मम्मी तो बोले तो एक सोर्स है, बोले तो हर चीज़ में मोटिवेट करना है उनका, डाइट लेना है। मतलब मैं जब भी मतलब कंपनी से आता हूँ या कॉलेज से आता हूँ, कुछ भी डाइट प्रिपरेशन है, खा, नहीं खा रहा जबरदस्ती खिला रहा, तू खाएगा तभी तू कुछ करेगा, नहीं खाएगा तो वहीं रह जाएगा। मतलब हर चीज़ में मोटिवेट करना, मेरे को गाइडेंस करना है, कर सकते तू करके। मतलब ये मान लें कि आप आज जिस मुकाम पे हैं और उस मुकाम पे सबसे बड़ी चीज़ होती है डाइट, तो मम्मी मतलब एज ए डाइटिशियन ट्रीट करती हैं। हाँ, अंडे से लेके दूध, चिकन, हर एक चीज़ में मम्मी। तो मतलब मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा, खाने से लेके हर एक चीज़ तक, और हर चीज़ में मेरे को मोटिवेट करते हैं। नहीं जा रहा हूँ जिम तो मेरे को फोर्स कर, जा तो थक जाता हूँ तो आके मेरे को मसाज देगी, हाथ पैर दबाएगी, तो अगले बार जो मैं हूँ अच्छे से कर सकूँ। आज का युवा शेरुन, आपसे सवाल है, नशाखोरी, दहशतगर्दी, इन सब चीज़ों में डूब रहा है और एक तरफ आप हैं, अगर आपको आइडल माना जाए अपने उम्र के युवाओं को जो ये इसमें फंसे हुए हैं, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? देखो, दारू नशा कौन करता है, जो रास्ते भटक चुके हैं उन लोग को जो सही गाइडेंस नहीं कर रहे हैं उन लोग की वजह से। जैसे मेरे सामने कोई छोटा लड़का सिगरेट पी रहा है, हम लोग का क्या फ़र्ज बनता है कि हम लोग उसको रोकें, पर यहाँ क्या है, पी रहा है, किसको फ़र्क पड़ता है, हम लोग नहीं जानते, हम लोग उसको रोके नहीं, जो करना करने दे। जब तक हम लोग जब अपने जूनियर या किसी को टोकेंगे नहीं कि ये गलत है, तब तक वो नहीं रोकेंगे।
हम लोग जितना हो सके उसको कम करें, जितना से जितना हो सके। मतलब आपका कहना है कि एक युवा की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने उम्र के युवाओं को नशाखोरी की तरफ बढ़ने से रोके। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो वो भी हम लोग को देख के इंस्पायर होगा, भाई ये पी रहे तो हम क्यों नहीं पी सकते। तो उन लोग के सामने जैसे हम लोग को खुद हम लोग को अलग हो जाना उस चीज़ से, क्योंकि जैसे मैं अपने पापा को देख के सीख रहा हूँ, अगर मेरे पापा ये सब करते तो मैं भी उन्हीं के लाइन में चला, जब मेरा बाप पीता तो क्या हुआ, मैं भी पी लूँगा, थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। वैसा माता पिता को भी करना पड़ेगा कि ऐसा ना करें करके। युवाओं को संदेश आपकी तरफ से? युवा का ये संदेश है कि हार्ड वर्क पे और हो सके तो एक गलत रास्ते से दूर रहें, और अपने फ्यूचर में जो है उसमें वो कॉन्सेंट्रेट करें। और कोई हीरो को बताने की ज़रूरत ही नहीं। क्या चाहते हैं आगे, किस मुकाम पर देखना चाहते हैं बच्चे? तो चाहते हैं नेशनल प्रो कार्ड तक जाके खेले, इंटरनेशनल लेवल तक खेले और इंडिया का नाम रोशन करे, स्टेट का नाम, अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। आपके पास अपना एक भरा पूरा जिम है और जो आज शैरन बन पाया, शायद इस जिम की भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो आगे जहाँ आप पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ के लिए क्या तैयारियाँ हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अब नेशनल लेवल की तैयारी तो हम यहाँ से करा देते हैं, इंटरनेशनल की तैयारी अलग होती है, उसके लिए इनको जितना अच्छा गाइडेंस देना चाहे तो अपन यहाँ से बाहर के हमारे हिंदू लोग के जिम हैं वहाँ भी भेज के इनको गाइड करवा सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, इसमें स्कोप बहुत अच्छा है पावर लिफ्टिंग गेम में, और फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छा लाइन है इसमें। मैडम आपसे बात करें, एक सोच है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, अभी आपके डाइट से जाहिर सी बात है उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन आप अच्छा काम कर रही हैं, वहाँ जाने के लिए डाइट बदलनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप ना ऐड करना चाहें लेकिन फिर भी ऐड करना पड़ेगा, उस समय क्या करेंगे आप, उसको ऐड करेंगे इनके डाइट में? हाँ, जो भी खाने के लिए बोलेगा मैं दूंगी। आप कैसे सपोर्ट कर पाती हैं बच्चे को ये बताएं उन, क्योंकि इनका काम भी है प्लस इनका वर्कआउट भी है, कैसे सपोर्ट करती हैं आप? जो बोलता है कि मेरी मम्मी ये चाहिए खाने के लिए तो मैं बना देती हूँ उसको, खाता है। बच्चा जब जीत के आता है तो कैसा महसूस हो रहा है? अभी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब जीत के आया इसने। बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा स्ट्रांग है, लेकिन माँ ये सोचती है कि बच्चा मेरा कमज़ोर है, लेकिन जब ये जीतता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा जीत के आ रहा है, स्ट्रांग है। तो शैरन के इस उपलब्धि पे भी फिलहाल हाल फिलहाल पिछले वर्ष और इस वर्ष दो खिताब कोरबा में, क्या कहना चाहेंगे उसको? बहुत अच्छा लगा, जीतने से तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सोनकामली जी, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस स्तर की बात कर रहे हैं उस स्तर पे मेरे ख्याल से पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या लगता है हो पाएगा? अब देखो, जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर हम जिसको चाहते हैं उसके लिए रास्ता भी ऊपर वाला बना देता है, तो अगर ये ऊपर लेवल में जाना चाहता है तो ऊपर वाला इसके लिए रास्ता बनाएगा, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हो सकता है शासन से प्रशासन से कुछ सहायता मिल जाए, मिल गया तो और अच्छी बात। अभी तक बहुत सारी उपलब्धियाँ शैरन की हैं, इन उपलब्धियों के बीच में कभी शासन या प्रशासन से कोई ऐसा सपोर्ट मिला है? नहीं, ऐसा तो हमें महसूस नहीं हुआ है अभी तक कि हमें शासन से मदद लेनी चाहिए, लेकिन जिस दिन ऐसा महसूस होगा तो जरूर एक बार आग्रह करेंगे उनसे। अभी लेटेस्ट कौन से टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? लेटेस्ट कल है 12 तारीख को, 12 जनवरी को फर्स्ट वेस्टर्न जोनल नेशनल टूर्नामेंट है, तो ये रायपुर में हो रहा है और आज 11 तारीख है, तो कल हम उसमें जाएंगे। क्या लगता है उसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पापा जो हैं आपके गुरु हैं, आपके गॉडफादर हैं, क्या इसके लिए कुछ विशेष टिप्स पापा ने दिए हैं? हाँ, दिए हैं, जो है अपना बेस्ट देना, हर चीज़ में बेस्ट देना, शुरू से लेके अंत तक जो भी प्रैक्टिस किया हो उसको माइंड में रखना,
और अपना 100% देना। नेशनल में तो बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर आएंगे, पर लेकिन हराने के मकसद से नहीं खेलना, अपना बेस्ट देने के मकसद से खेलना। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मकसद ये होना चाहिए कि हमें अपना परफॉर्मेंस देना है, ना कि हार या जीत। क्योंकि हार जीत तो लगा रहता है, किसी को जीतना है किसी को हारना है, एक दिन हम भी हारेंगे एक दिन हम भी जीतेंगे, पर लेकिन अपना 100% देना। आप जब हारते हैं, कहीं लूज हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, उस हार को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं? हार तो लगा रहता है, हार जीत तो लगा रहता है, पर लेकिन हारने से एक चीज़ मेरे को बहुत चीज़ मतलब लगता है कि मैं क्या गलती किया हूँ, वो गलती को मैं देखता हूँ और उसको अगले बार उसमें ये करता हूँ कि वो गलती फिर से ना हो। तो अभी रायपुर के टूर्नामेंट को आप खेलने जा रहे हैं, यकीन है कि बाजी मारेंगे? बाजी तो मारेंगे, अपना 100% देंगे। शिवाजी सोनकांबळे जी, आप इनके पिता हैं, जब आपका बेटा जो है इस लाइन में अग्रसर हो रहा था, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लाइन गलत है या जो भी है जैसा भी है? क्योंकि सुनने में आया है कि इस लाइन में कई बार लोग जो है जीत के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि एस्ट्रॉइड वगैरह लेते हैं। तो हमारा कहना है कि गेम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन उसे नेचुरल तरीके से खेला जाए तो बहुत अच्छा है। अगर गलत तरीके से खेलोगे तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। मेरा कहना है कि मेरा लड़का बचपन से ही मुझे ही देख के इंस्पायर हुआ है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि